नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नए साल के दूसरे दिन उच्चतम न्यायालय के दो बड़े फैसले। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दो बड़े फैसले लिए हैं। एक मामले में अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उम्मीदवार या उसके समर्थकों के धर्म, समुदाय, जाति और भाषा के आधार पर वोट मांगने को गैर कानूनी करार दिया। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटाने के आदेश भी दिए। न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या करते हुए सात न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से चुनाव से जुड़ा फैसला दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएफ ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे को व्यापक करते हुए कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अपील करने के मामले में किस धर्म की बात है। फैसले में कहा गया कि चुनाव एक धर्म निरपेक्ष पद्धति है और जनप्रतिनिधियों को भी अपने कामकाज धर्म निरपेक्ष आधार पर ही करने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि भगवान और मनुष्य के बीच का रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। कोई भी सरकार किसी एक धर्म के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकती और धर्म विशेष के साथ स्वयं को नहीं जोड़ सकती। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर उनके पदों से बर्खास्त कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 18 जुलाई 2016 के आदेश को ठाकुर और शिर्के ने लागू नहीं किया, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। अदालत ने साथ ही कहा कि बीसीसीआई के कामकाज को देखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की समिति को 19 जनवरी को नियुक्त किया जाएगा। इस समिति का निर्णय न्यायमित्र गोपाल सुब्रमण्यम और फली एस नरीमन करेंगे। बीसीसीआई के सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बोर्ड का अंतरिम अध्यक्ष चुना जाएगा, जो अधिकारियों के पैनल के निरीक्षण में काम करेंगे। इस ऐतिहासिक फैसले पर जस्टिस आर.एम. लोढ़ा ने कहा कि यह तो होना ही था और अब हो चुका है। हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 3 रिपोर्ट जमा कराई थी, लेकिन बीसीसीआई ने सिफारिशों को लागू करने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि यह खेल की जीत है। अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन अंततः यह खेल के लिए है। शीर्ष अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाते हुए यह भी साफ किया कि जो भी लोग सुधार की सिफारिशों को लागू करने में अड़चन पैदा करेंगे, उन्हें भी बीसीसीआई से जाना होगा। इस बीच बोर्ड सचिव शिर्के ने उन्हें पद से हटाए जाने को अधिक गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा कि वे अदालत के इस निर्णय को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। मुझे हटा दिया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस जाकर अपना काम करूंगा। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने का काम मेरे अकेले के नियंत्रण में नहीं है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई थमेगी नहीं। भारत ने फिर दागी 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 मिसाइल। मोदी की रैली में लखनऊ जा रहे कार्यकर्ताओं की बस पलटी, 25 लोग घायल। आईएसआईएस के ठिकानों पर तुर्की और रूस के हमले में 22 आतंकी मारे गए। बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चिंतित नहीं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।